गोलागतनी समाचार बटुए ब्रह्मपुर प्रखंड के बगेन गांव से कहल गईल बा कि जहां चाह बा ओजा राह बा। लॉकडाउन के राह बना देने एगो बाबूजी, एगो लड़का के पिता। जी हां, खबर के हेडलाइन सुनी। किसान बाबूजी लॉकडाउन में बच्चन के देलन बंदूक चलावे के ट्रेनिंग आ लड़का बन गए स्टेट चैम्पियन। खबर के हेडलाइन बटुए कि पहला कोशिश में ही स्टेट लेवल राइफल फायरिंग चैम्पियनशिप में 7 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर आ 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत के ओवरऑल चैम्पियन बनले दोनों भाई। खबर का बा एकरा के विस्तार से सुनी। निगाह ने इरादा क्या बदला, एगो शायरी बा कि निगाह ने इरादा क्या बदला, चमन की फिजा ही बदल गई। ट्रिगर पे उंगली तो हमेशा के तरह ही चलत रही, यह बार निशाना बदल गए। पेशा से किसान सरजीत बहादुर सिंह उ कर देखलन जवन एगो पिता के सपना होला। उ लॉकडाउन में अपन बच्चन के राइफल और पिस्टल चलावे के बारीकी सिखलन। घर ही में शूटिंग रेंज बना के टारगेट हिट करे के गुण सिखलन। बक्सर जिला के बगेन के रहे वाला सरजीत सिंह के दोनों बेटा राजवीर और शिवानशु स्टेट लेवल राइफल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन के खिताब जीतले। राजवीर वाराणसी में इंटरमीडिएट और शिवानशु 9वीं के स्टूडेंट हमें, यानी एगो इंटर के एगो 9वा क्लास के स्टूडेंट हमें। दोनों बच्चा बिहार स्टेट लेवल फायरिंग चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत के एगो नया कहानी लिख डलें। दोनों कहलन कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतल चाहत रहें, एक खातिर जी तोड़ परिश्रम करिहन। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद भई तब बच्चा गांव आ गेलन। बच्चन के खेल कूद के मौका ना मिलत रहे तो एगो किसान पिता सरजीत सिंह राइफल एयर गन चलावे के ट्रेनिंग देलन। शूटिंग खातिर 2 लाख रुपया के एयर पिस्टल मंगवावल गई। अपना मित्र इंटरनेशनल शूटर एगो यहाँ के मित्र हन, यानी लड़का के पिता के एगो मित्र इंटरनेशनल शूटर भूपेंद्र प्रताप सिंह के मदद से दोनों बेटा के निशानेबाजी पारंगत कल गई। दोनों बेटा पहला बार प्रतियोगिता में हिस्सा ले लें। भूपेंद्र प्रताप सिंह उनकर कोच बनले। सरजीत बतावत रहन कि वो अखबार में इंटरनेशनल शूटर सौरभ चौधरी के बारे में पढ़ले, तब ये लोग तय कलन कि बच्चन के शूटिंग सिखावल जाए। यही के देन रहे कि ये लोग यह तरीका से करे लगलन। बेटा पिता के भी हरा देलन। सरजीत सिंह अपना पैतृक गांव में खेती करेलन। सिवान जिला में 17 से 21 फरवरी तक आयोजित स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में सरजीत सिंह भी राइफल शूटिंग में हिस्सा लेलन, जौना में बेटा से ही हार के मुंह देखे के पड़त। लेकिन वो कहलन जब बेटा जीत गई तो हम हार के भी जीत गईनी, हम खुश बानी। बता दी कि शूटिंग चैम्पियनशिप में सब जूनियर कैटेगरी के प्रतिभागी के भी सीनियर के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेवे के प्रावधान होला, जना में सरजीत के दोनों बेटा गोल्ड मेडल हासिल कलन। अब बता दें कि सरजीत बहादुर सिंह के दादा ब्रिजराज सिंह के नक्सली हत्या कर दल रहन। पिता के हत्या के प्रतिशोध में राजवीर और शिवानशु के दादा वीर बहादुर सिंह तब अपना हाथ में बंदूक थमले रहन। सरजीत सिंह के पिता जगदीशपुर से विधायक वीर बहादुर सिंह अपना पिता के मौत के बदला ले लें। वो बिहार बंगाल और उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक नक्सली लोग के कत्ल कैलें। उनका पे लगभग 65 मर्डर से ऊपर केस दर्ज बटुए। बता दी कि ये खेल तब शुरू भइल जब पूरा खबर उरा देखब तो शिवानशु के पिताजी से बातचीत भइल। पिताजी का कहनी सारा चीज भोजपुरी अंत तक खबर देखब उरा सब चीज दूध के दूध पानी के पानी हो जाए कि कैसे सफर तय भइल, कैसे लड़का बेस्ट निशानेबाज बन गेले, कैसे लड़का मेडल जीत लेले। ये सारा कुछ रूरा सबके भोजपुरी समाचार आज संजो के लिए आइल बटुए। बता दी कि जौना तरीका से अर्जुन के निशाना लगावे खातिर महाभारत में कहल गई तो अर्जुन के खाली आके पुतरी लोग कोरोना काल में जब कोरोना रहल पूरा कोरोना लॉकडाउन लग गई, स्कूल बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, रेल बंद हो गई, सारा कुछ जब बंद हो गई, भारत के इकोनॉमी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, तब एगो बाबूजी लड़का के अपन लड़का के का सीखनी कैसे सीखनी ये सारा चीज बात हुई। अभी पता हम ना खुलब रूरा सब जब बातचीत करब तो रूरा सब के खुद पता चली। आई बात कर जाओ भोजपुरिया समाचार में राउ स्वागत बा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ई बताई कि एगो बड़ा अचीवमेंट रहू पुत्र लोग प्राप्त कैले बा, साथे साथ रौरो मिलल बटुए कई गो अवार्ड निशानेबाजी में,
एकरा पीछे का कारण बा, कैसे शुरुआत भइल आ रौरो कैसे निशानेबाजी में अपन कदम रखनी, शुरुआत से बताइए। ये हम पढ़े के बदले एनसीसी ज्वाइन कैले तो कुछ चीज इसे ब्लड में विरासत में मिल जाला। अच्छा। तो ऐसे ही हमने के निशानेबाजी वगैरह ब्लड में हमरा बुझाइल की मिलल। पिताजी हमारे बहुत अच्छा निशानेबाज रहे तो हमने के एनसीसी में हम भी ट्रेनिंग रहे, कहीं फायरिंग के वजह रहे तो जहाँ हमको बेस्ट फायर का अवार्ड मिला रहे कक्षा 9 या 10 में हम रही। तो कौन स्कूल में रहे? यूपी कॉलेज में हम पढ़ल रहे कक्षा 6 से लेकर ग्रेजुएटर वगैरह हम यूपी कॉलेज से ही कैले बने। तो लेकिन वही कोनो हमरा के बैक सपोर्ट ना मिलल या निशानाबाजी के कि का है, या हमरा भी कोनो बहुत बढ़िया जानकारी ना रहे कि करा में भी कोनो स्कोप होला। ऐसे ही बस मिलल हाँ एनसीसी ज्वाइन कर रही चूँकि हमारे वार्डन कहलें कि एनसीसी ज्वाइन कर लो, नौकरी लागे बढ़िया फैट के चलते। अच्छा। मेहनत करोगे दुबले हो जाओगे, नौकरी के पीछे हम ना भगने, नौकरी के उद्देश्य लेकर ना चलने। बड़ा आजकल चले एनसीसी ज्वाइन कर लो छूट मिली कुछ, चूंकि हमारे कमांड के हमके एनसीसी कमांडर बना रहे चूंकि हमारे कमांड वगैरह जो रहे आवाज़ जो रहे बुलंद रहे से हमारे जो वार्डन रहे एनसीसी के हेड रहे वो हमके बढ़ियारी एनसीसी ज्वाइन कर हमको कोई रुचि ना रहे। अच्छा। लेकिन उनका आज्ञा का पालन कर खाते हम एनसीसी ज्वाइन करी, जब जब वहाँ का ना रहे तो हम एनसीसी में जीवो ना करी अपन बहने बहन निकल लें। वहाँ के बहुत प्रयास के नहीं ओके बाद ले गए नहीं हमारे बेस्ट फायर में तो हमारे बेस्ट फायर के अवार्ड भी मिला रहे करीब 93-94 के दशक में। लेकिन ओके बाद कोनो ध्यान ना देने या ना कोनो हमको प्रोत्साहन मिले ना कोनो हमको बैक सपोर्ट मिलल कि हम आगे बढ़ी। ओके बाद हम खेल में हैमर गोला के भी हम बहुत खिलाड़ी रहे, वो में भी हमके स्कूल स्तरीय जोनल स्तरीय मंडल स्तरीय कई अवार्ड मिले रहे। स्पोर्ट्स से हमारा लगाव शुरू से रहे लेकिन हम कुछ करना पहले एक पीछे जौन कारण रोक है तो बच्चन के भी हम स्पोर्ट में ध्यान पढ़ाई के अलावा एक जगह कहीं ना कहीं देते रहें कि वो लोग खेल ले। छोट जाना शुरू से खेले में दौड़ में खो खो में हर चीज़ में आगे रहें, पहले भी मेडल ले लें। उसके बाद हम लोग लंबाई के चलते हम लोग के मास्टर कहने के लोग बास्केटबॉल खेलिए तो हम 2-4 महीने पहले बास्केटबॉल भी हम लोग खेले नहीं, लड़का लोग खिलाबे खातिर कोच हमारे एगो मित्र रहें उनसे परिचय कर ली। वही दरमियान लॉकडाउन लग गई, हमारी यही इच्छा रहे कि लड़का लोग कम से कम देश खातिर कुछ खेलें, स्पोर्ट में आ गए हमें पढ़ाई तो बढ़ रहे अपना जगह पर। हमें लोग पढ़ाई के काल समय में कोई डिस्टर्ब ना करनी, कोरोना काल हमारा खातिर बहुत बढ़िया रहा, हमारा के समय मिल गए लड़कन के हम साथे रहे के बनारस बनारस हाँ बनारस हम लॉकडाउन में फंस गए। उस समय हमारा इलाज कराया खातिर दिल्ली जाए कर हमारा टिकट रहे लेकिन कोरोना का लॉकडाउन के चलते हम टिकट कैंसिल करे नहीं, हम टाइम से दिल्ली अपना इलाज खातिर ना पहुँच पेली। एक बढ़िया समय मिलल हमारा अपने बच्चन के परिवार के साथ गुजारे खातिर, वो दरमियान हम बच्चन के खुल के साथ देनी है ट्रेनिंग देनी और ये ध्यान रखते हुए कि कौन पढ़ाई मतलब हम नया चीज़ सिखावे में कहीं ऐसा ना हो कि जो बेस बजो पढ़ाई खातिर हम गाँव घर छोड़ के बनारस शैल बनी पढ़ावे खातिर लड़कन के कहीं ऊ ना चौपट हो जाए। एम में हम के ध्यान देते हुए कि जौन स्कूल के जाए आवे के समय 4 घंटा रहे, जौन तू 1-2 घंटे बास्केटबॉल का समय निकालत रह अतने समय हमारा कहते जो हम तुरा कुछ शूटिंग के बारे में सिखा। हथियार हथियार कहाँ से भी कही जब ये ट्रेनिंग देते रही तो स्पेस जगह के जरूरत पड़ल हुई जी जगह के जरूरत पड़ल हुई तो कैसे ये सब जगह होगा कैसे मैनेज? देखिए हम सिखेनी एयरगन से। अच्छा। एयरगन के 10 मीटर के हम रेंज हम लोग को सिखेनी, 10 मीटर के इवेंट होला राइफल और पिस्टल दोनों के एयरगन से। फायर आर्म्स तो हम लोग जाके मैच के 2 दिन पहले प्रैक्टिस के लिए वालों वही सिवान में विद्यानंद शूटिंग क्लब में क्योंकि वेपन्स भी हमें अरेंज करे कर रहे तो वेपन्स के प्रैक्टिस हम घर नहीं करे ले यहाँ लोग के एयर गन के प्रैक्टिस के लिए बन। लेकिन जो बेस एयर गन बा वही आधार पर हर चीज़ चलेगा, वही पर चलावो लोग बढ़िया खेल लोग जो रिजल्ट आप लोग के सामने बा उम्मीद से ज़्यादा हम लोग कई लोग हमने कभी उम्मीद ना रहे कि इतना मैच खेला तो लोग तो इतना ये स्तर के परफॉर्मेंस रही कि छोटा बच्चा हो के बड़े बड़े लोगों को चैलेंज दिया और कोई भी उसके रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाए। ये भी बहुत मेडल जीत लिया जी, ये बहुत मतलब गर्व होखे वाली बात बा अपना लेकिन का लगता है लेकिन से का उम्मीद बा आगे? उम्मीद तो हम शुरू से लक्ष्य लेकर ओलंपिक गोल्ड के चला रहे, कम से कम ओलंपिक से गोल्ड लिया वो लोग ये हमारा खातिर तो शुरुआत बा। पहला मैच वहीं खाती बा इन के पहले को हम तो मान ली कि 2-4 गो मैच खेल ले बनी लेकिन हम लोग को पहला मैच बा और हम मीडिया से हर चीज़ से हम लोग को दूर रखल चाहते नहीं कि हम लोग अभी जब तक बढ़िया नेशनल वगैरह ना खेल के हमें तब तक जितने दूर रहे उतने बढ़िया रहे। एगो चीज़ और बताई 1980 के दशक में बाहुबली के बाबू जी रही
वीर बहादुर सिंह संज्ञा दिल रहे जी। आ वो परिवार से बिलोंग करत रौरू फायरिंग में बढ़िया निशानेबाज रहनी जौना में रुरा के अवार्ड भी मिलल बा। फिर वही परिवार से एगो और निशानेबाज निकलन दू दू गो लड़का जी। कोरोना काल रुरा खातिर वरदान साबित भ जी। हम ये वरदान मानब वरदान साबित जी। वरदान ये मिलल कि हमारे लड़कन के साथ पूरा समय देवे के पड़ल मिलल। आ जौन अंदर ओकनी के प्रतिभा छिपल है जो खुल के आई लगे सामने को रिजल्ट बा। तो ये हथियार के कैसे मैनेजमेंट भ हमारे एगो मित्र भूपेंद्र प्रताप सिंह रही। अच्छा। जहाँ जरूरत रहे बतौर वहाँ के इंटरनेशनल शूटर भी बने। अच्छा। वहाँ के नाम पर आज भी 10-10 सलाह बा। जहाँ जरूरत पड़ल वहीं के सलाह से शूटिंग रेंज मिले जाके दो चार फायर करावल जाला गोली वगैरह वेपन्स वगैरह सब वहीं के ऊपर बतौर बच्चे के कोच और हमारे मित्रों के बहुत मेहनत किए हैं कि लड़के आगे बढ़ गए। उनका भी मेहनत सार्थक और सफल रहा। अभी आप लोगों से फ़ोन पर हम बात भी कराए। वो नहीं चाह रहे हैं कि मतलब मीडिया वगैरह में आवे लेकिन वास्तव में बात करनी है तो कहने की ठीक बा भाई दीदी। ऐसे कि उनका अभी हमारा और हमारे मित्र भूपेंद्र जी एक मित्र सिद्धार्थ सिंह गौतम है जो हमारे साथ कक्षा 6 के रहे हैं। वो भी बहुत बच्चों को प्रोत्साहन दिए। तो हमने की यह इच्छा रहे कि कम से कम ओलंपिक या नेशनल खेलने के बाद ही बात हाईलाइट होके। लेकिन कहावत हो कि जलत प्रकल में रवि कब तक छिपा रह सकता है यू की अवहलना सुरमा कब तक सह सकता है। भाई सूर्य को आप बदली में और कोहरा में कितने दिन तक छिपा कर रखेंगे ये भी एक सही बात अभी है। विधानसभा सत्र चलता नेता प्रतिपक्ष एगो सवाल उठेल हन अभी 2 दिन पहले कि एजा लड़कन के खेल के प्रति स्कोप नहीं है जरूरा का लगत नहीं। बात सही बा खेल के प्रति कोनो स्कोप नहीं है। अब इन जान नहीं कि बक्सर जिला में कोनो शूटिंग क्लब नहीं है। हमारा एंट्री करावे के भइल लड़कन के खिलावे खातिर तो कोना क्लब से हम एंट्री नहीं कराई कि लड़का हमारे खेलो सो कहाँ से हम कराई। कई चूँकि NRI के नियम बा कि बिना शूटिंग क्लब से प्रैक्टिस के रोड़ा शूटर कार्ड ना मिले। तो हम बक्सर जिला में पता करें तो नारा है शाहबाद जिला में एगो शाहबाद शूटिंग क्लब के नाम से एगो क्लब चला था। चूँकि हर जगह एकर विकास नहीं के हर लोग के जानकारी नहीं के एक पर हम ये कहब कि एक जानकारी कल जी एगो शूटिंग क्लब नीतीश जी खोलने बनी जो कि नालंदे में बा हुईजा के भी लड़का लोग बहुत बढ़िया भाग ले रहे बहुत बढ़िया खेल लोग। एगो विज्ञानंद जी शूटिंग क्लब बा सिवान में ओकर अलावा कहीं बहुत बढ़िया रेंज नहीं है जहाँ की प्रैक्टिस होके। हम एगो राइफल क्लब के मेंबरशिप खातिर फार्म कोरोना काल में भरले रही बनारस ले वेरिफिकेशन करके बगेन खातिर आई। अभी तक वो कागज कहाँ अटकल बा हमरा पता ना चलल कि मतलब बनारस बा कि बक्सर पहुँचल बा कि हमरा थाना में आइल बा। जबकि उम्मीद बा कि आप मेंबरशिप के लिए आवेदन कर दीजिए हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन करा लेंगे और आप आके यहाँ राइफल क्लब में प्रैक्टिस करिए। लेकिन वो कागज अभी तक साल भर से ऊपर हो गई पता ना चल कि वो कागज बा कहाँ। अंतिम रोड़ा सवाल बटवे कि सरकार से क्या मांग कर सरकार से यह मांग करब कि जौन लड़का बा जौन NRI के रूल बा वेपन्स वगैरह उपलब्ध करावे के वो यहाँ के हर DM और हर कर्मचारी के मालूम होके। जैसे अभी हमारे मित्र लोग कहते हैं कि आप दिल्ली से अप्लाई कर दी खाली अप्लाई करके आप शांत रहिए 1 महीना के अंदर पूरी प्रक्रिया होकर आपके वेपन्स के लाइसेंस मिल जाए। लेकिन बिहार में कमी बा हर जगह पूछिए कहीं कि उम्र फाल्ट है उम्र नहीं है कैसे आप वेपन्स के लिए कर दें। जबकि NRI का जो रूल है कि 12 साल का लड़का जब पिस्टल चला सकता है तो पिस्टल रख भी सकता है बतौर वो ले जाने के लिए कैरी करने के लिए उसके साथ उसके गार्जियन जाए। लेकिन ये सब नियम हमको नहीं लग रहा है कि बिहार के लोगों को या बिहार के आर्म्स क्लर्कों को मालूम है। हम ISPCS की रैंक की बात नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों तो बहुत कुछ मजन कहीं रहती है। लेकिन जब नीचे से हम ऊपर बढ़ेंगे तो नीचे से हमारी फाइलें जब ऊपर तक नहीं पहुंचेगी तो कहाँ से अवेलेबल होगी नीचे ही गड़बड़ी हो जाएगी उन्हें गाइड के भगा देंगे। तो इसकी एक जानकारी हो जैसे उत्तर प्रदेश में है भी है आपको दिल्ली में है वो हमारे बिहार में भी हो। तो हमारे बिहार में बहुत बच्चे हैं गुण एक से एक प्रकार है छिपे मानव के भीतर। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भोजपुरिया समाचार में समय दे जी जी राहुल बहुत बहुत धन्यवाद।